को इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है PSI फोन हैंडलर 82। तो उसको हम पहले सबसे पहले तो डाउनलोड करेंगे। वो एप्लीकेशन आपको पूरे प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, उसको आपको आउट ऑफ प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो कैसे है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, फर्दर आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के वेब ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे PSI फोन हैंडलर, फोन 82, 82 हैंडलर। ये देख ले जो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखिएगा, इससे आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। हैंडलर 9APPS, ये 9APPS एक वेबसाइट का नाम है जिसको जब मैं ये सर्च करता हूँ तो मुझे लिंक ढूँढने में आसानी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, जब इसको सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास गूगल सर्च में काफ़ी लिंक ओपन हो रहे हैं। तो इधर उधर बात भटकी है, ये जो सबसे पहला लिंक है हम इसको ओपन करेंगे, जो लिखा हुआ है मूवी hd.webka.mobi। इन सबसे पहले लिंक को हम ओपन करेंगे। आपके पास कुछ इस तरह ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन कैटेगरी है, एप्लीकेशन साइज़ है। तो यहाँ हमने डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड PSI फोन हैंडलर लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बार टैप करेंगे। ये हमने टैप किया, ये हमें डाउनलोडिंग पेज के ऊपर ले आइए। तो हम इसको सेव करेंगे। हम यहाँ पे ऊपर ये PSI फोन 82 हैंडल लिखा हुआ है, हम इसको एक बार टैप करेंगे। ये देखें मेरे पास ऑप्शन आ गया, ये मुझे वार्न कर रहा है दिस टाइप ऑफ फाइल कैन हार्म योर डिवाइस। मतलब कि ये फाइल जो हम आउट ऑफ मार्केट से डाउनलोड करते हैं तो वो हमें हमारे मोबाइल को नुकसान भी पहुंचा सकती है, लेकिन जब हमें ज़रूरत है तो हम ऐसा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो आप छोड़ दें, लेकिन मैं तो लूँगा और मैंने लिया है क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताना। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जब इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों अभी मेरे पास इंटरनेट जो है वो वाईफाई चल रहा है, तो इसको क्लोज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होना चाहिए और ना ही आपका कोई पैकेज एक्टिव होना चाहिए इंटरनेट का। तो इसको समझने के लिए आपके पास अगर बैलेंस ना हुआ तो वेल एंड गुड, और अगर आपने तजर्बा कर लिया बैलेंस के साथ तो आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वाईफाई को क्लोज़ करते हैं और मोबाइल डाटा ऑन करते हैं। हमने वाईफाई क्लोज़ किया, मोबाइल डाटा ऑन किया, आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा इस टाइम ऑन हो रहा है। आप देख लें ऊपर वाईफाई का ऑप्शन ख़त्म होने के बाद 3G H+ जो उसका साइन है वो शो हो रहा है। अब हम अपनी उस एप्लीकेशन में जाएंगे जो हमने इंस्टॉल की है, PSI फोन हैंडलर। ये जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेटिंग आएंगी। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जस्ट एक ही चीज़ आपको लिखनी हैगी, वो ये है facebook.com। ये प्रॉक्सी आपको डालनी होगी। तो इसमें हाँ डिफ़ॉल्ट में ये भी आ सकता है नो प्रॉक्सी या डिफ़ॉल्ट लिखा होगा, तो आपने HTTP इसको सेलेक्ट करना है। बस आपने एक प्रॉक्सी कर ली, प्रॉक्सी सर्वर, और दूसरा HTTP। करने के बाद रियल प्रॉक्सी 80 ही रहेगा और सेव कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको सेव किया तो वो रनिंग में नज़र आ रही है आपको। आप देख रहे हैं कि वो सॉकेट जो है उसने उसको पिक कर लिया है, और ये देखें इंटरनेट चल रहा है जी। बिल्कुल ये फ्री इंटरनेट चल रहा है, मैंने कोई आपको अंधेरे में नहीं रखा, ना ही मैंने कोई इंटरनेट पैकेज किया है, बिल्कुल फ्री इंटरनेट चल रहा है। आप देख लें पी का निशान स्टेबल हो चुका हुआ है, ये की का निशान आपके सामने आ चुका हुआ है, ये उसी एप्लीकेशन का ही है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको कोई मसला आ रहा